पब्लिक टीवी आपकी आवाज। टीएमयू सभागार में भाजपा के युवोत्थान कार्यक्रम में सांसद गौतम गंभीर ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश को आगे ले जाकर युवा ही बदलेंगे। मैंने 10 साल की उम्र से क्रिकेट खेला और बाहर रहा हूं। संन्यास के बाद मैंने राजनीति में आने का मन बनाया, लेकिन मेरी माँ और पत्नी ने मुझे साफ मना कर दिया था। इसके बावजूद मुझे लगा कि मैं युवा हूं और देश का कुछ भला कर सकता हूं। मैं अपने परिवार की बात को दरकिनार कर राजनीति में आया और अब देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूं। मैं जमीन पर उतर कर देश को बदलना चाहता हूं। नेशनल स्पोर्ट हॉकी है, क्रिकेट नहीं, लेकिन जितनी यहाँ पर क्रिकेटर्स को, और मैं खुद क्रिकेटर हूँ और मैंने ये हर बार बोला है कि जितनी मेहनत एक क्रिकेटर करता है उतनी ही मेहनत बाकी स्पोर्ट्समैन भी करते हैं, लेकिन जिस तरीके की का फेम या जिस तरीके की एडोलेशन एक क्रिकेटर को मिलती है उतनी बाकी स्पोर्ट्समैन को नहीं मिलती, लेकिन चीजें बदलती हैं। अगर आपने ओलंपिक्स के बाद देखें, चाहे नीरज चोपड़ा हो गए, चाहे पीवी सिंधु हो गई, या जिन जिन ने भी जो जो खिलाड़ी मेडल लेके आए, बहुत चीजें बदली हैं पिछले 5 या 10 साल में। इससे पहले शायद इतनी चीजें नहीं बदलती थी। तो ये आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्रिकेटर्स को थोड़ा साइड में रखिए, बाकी स्पोर्ट्समैन को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दीजिए, क्योंकि हम एक क्रिकेटिंग नेशन नहीं कहलाना चाहते, हम एक स्पोर्टिंग नेशन कहलाना चाहते हैं। हमारे को बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत जरूरत है। अगर आप एक क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर देखें और बाकी स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, तो वो गैप अभी कम हुआ है, बिल्कुल खत्म नहीं हुआ। तो आगे आके मैं यही कहना चाहूंगा कि बाकी स्पोर्ट्स को भी इंपॉर्टेंस मिलेगी, एंड आई एम श्योर कि बाकी खिलाड़ी, जैसे अभी महिलाएं इतना अच्छा करना शुरू कर दिया, एथलेटिक्स में हमने इतना अच्छा किया है, बैडमिंटन में अच्छा किया, रेसलिंग में अच्छा किया, तो इससे पता चलता है कि बाकी स्पोर्ट्स पिकअप कर रहे हैं। और हम उस दिन स्पोर्टिंग नेशन बनेंगे जिस दिन बच्चे बाहर निकल के आउटडोर एक्टिविटी में जाना शुरू करेंगे। अगर आप देखें, जब मैंने खेलना शुरू किया था 10 साल की उम्र में, तो मैं घर पे नहीं बैठता था, लेकिन आज का युवा सिर्फ आईपैड, आईफोन, सिर्फ इस पे रहता है। तब तक आप कभी स्पोर्टिंग नेशन नहीं बनेंगे, क्योंकि मुझे याद है कि मेरे को सिर्फ वीकेंड में खेलने का मौका मिलता था, सैटरडे संडे जब मैचेस होते थे। तो अगर मैं सैटरडे संडे को आउट हो जाता था, तो मेरे को एक हफ्ता वेट करनी पड़ती थी अगले मैच की। आज अगर आप देखें, अगर आप आईफोन पे या आईपैड पे कोई गेम खेल रहे हैं, अगर आप हार गए तो आपने फिर से रिस्टार्ट कर दें। तो तब तक वो जो कॉम्पिटिटिवनेस है, वो जीतने की जो आपकी लालसा है, या जो जीतने की आपकी जो शक्ति है, जो आपकी डिटर्मिनेशन है, क्योंकि आपको पता है कि आईपैड पे तो फिर से आ जाएगा, लेकिन मेरे को पता था संडे अगर चले गए तो अगले संडे तक मैं वेट नहीं कर सकता। तो वो जीत मेरे लिए संडे को बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिससे मेरे लिए एक हफ्ता अच्छा निकला। तो वो ये जरूरी नहीं है कि हर पद पे एक स्पोर्ट्समैन ही हो। नियत साफ होनी जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि हर स्पोर्ट्समैन की भी नियत साफ ही हो। आप भी एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, आप भी किसी अगर स्पोर्ट्स फेडरेशन को हेड करेंगे तो आप भी अच्छे बन सकते हैं। जरूरी नहीं आपने वो स्पोर्ट खेला हो या ना खेलो, क्योंकि कहीं ना कहीं उस फेडरेशन में या स्पोर्ट्समैन होते ही होते हैं। आप नियत साफ रखिए, आप ये सोचिए कि मेरे को इस स्पोर्ट को कैसे बेहतर करना है, मेरे को अपने खिलाड़ियों को कैसे फैसिलिटी देनी है, जिससे आगे जाके वो इस देश का नाम रोशन कर सके। ये बहुत लंबे समय तक डिबेट चलती रही है कि पॉलिटिशियंस हर फेडरेशन के हेड होते हैं, इसमें कोई खराबी नहीं है। और इसलिए मैं ये नहीं कह रहा क्योंकि मैं आज एक पॉलिटिशियन हूं, मैं ये कह रहा हूं इंसान होना अच्छा है, होना जरूरी है, खिलाड़ी हो या ना हो, क्योंकि साफ सोच ज्यादा जरूरी होती है एक स्पोर्ट्समैन से। ये मुझे लगता है कि सब जानते हैं, राम को छोड़ भी नहीं सकते लेकिन काम भी नहीं छोड़ सकते। राम भी चाहिए, राम है तो काम तो है ही। लेकिन हमारे देश की पहचान ही राम से है, तो राम को छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन गरीब को जब तक हम उसको दो वक्त की रोटी न दे दे
तो इससे भी कोई लाभ नहीं है। तो इसीलिए राम को लेकर चलेंगे, अपनी पहचान बनाकर चलेंगे, लेकिन साथ साथ इस देश के गरीबों को उनकी जरूरत का सब सामान भी उपलब्ध कराएंगे, सब सुविधाएं भी उपलब्ध कराएंगे। देखिए, मुझसे ज्यादा रफ्तार किसी ने नहीं देखा 2014 में, जब मैंने IPL शुरू करी थी तो पहले 3 मैच में 3-0 बनाए थे और मैं कैप्टनसी कर रहा था KKR की, और चौथे मैच में 1 रन बनाया था। और सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है कि आप एक रफ पैच से जा रहे हैं, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि अगर आप ये कहें कि आपसे अच्छा नहीं हो रहा, क्योंकि कई बार यही नहीं लोग एक्सेप्ट करते कि मैं इससे अच्छा नहीं हो रहा है, मैं अच्छे फॉर्म में नहीं हूँ। आप कभी भी देखेंगे बाहर आके लोग तब भी ये कहते हैं जी मेरा फॉर्म तो बहुत अच्छा है। गलतियां होती है, फॉर्म खराब होते हैं, इंसान से ही गलतियां होती हैं, इंसान ही अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि उस टाइम पे ज्यादा मेहनत करनी जरूरी है। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि वक्त खराब है, रन बन नहीं रहे, चलो घर पे बैठते हैं, जब चीजें ठीक होंगी, जब रन बन जाएंगे तब ज्यादा मेहनत करेंगे। बिल्कुल भी नहीं, मेहनत का रनों से कोई लेना देना नहीं है, मेहनत आपके हाथ में, रन बनना ना बनना, गेंदबाज भी तो गेंदबाजी करने आए, दूसरा खिलाड़ी भी तो खेलने आए, ये तो नहीं है कि वो आपको आसानी से रन देगा। तो जब आपका खराब फॉर्म हो तो डबल मेहनत करिए, अगर आप प्रैक्टिस 3 घंटे करते हैं तो 5 घंटे करिए, वही एक तरीका है वापस फॉर्म में आने का, और कोई तरीका नहीं है। और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि अपने आप को शीशे में देख के बोला कि जी हाँ मैं अच्छी बैटिंग या फिर मैं अभी अच्छे फॉर्म में नहीं हूं। सीधे अरुण काम पर आ गया। नहीं, इसमें बहुत तेजी के साथ काम हो रहा है, और अभी आपने देखा होगा कि स्टेडियम्स तो बन ही रहे हैं, और उसके साथ साथ शायद ये उत्तर प्रदेश के पहला ऐसा राज्य है जो सिर्फ अपने स्टेट के ही प्लेयर्स को नहीं बल्कि पूरे देश के अपने पैरा से में जो प्लेयर्स गए थे या मेडल्स उन्होंने जो लिया है उन सबको अभी रिवॉर्ड किया है। तो खेल के प्रति योगी आदित्यनाथ जी का भी बहुत ध्यान उस तरफ है, स्पोर्ट्स को हमेशा बहुत प्रोत्साहन भी उन्होंने दिया है, और इसी वजह से हम लोगों ने यह तय किया कि हर ग्राम सभा में एक जहां भी जगह मिलती जाएगी वहां पर एक स्टेडियम तैयार करेंगे और बच्चों को खेलने का मौका देंगे। और हम दोनों की बात नहीं है, अपने किसानों के प्रति देखिए, आज हमारा देश जिस भी ऊंचाई पे है उसमें हमारे गांव गली में रहने वाले लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। हम मुरादाबाद से दिल्ली बॉम्बे जो भी देखते हैं, वहां जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, नोएडा से लेकर सब जगह जो खड़ी है, उसमें किसानों की त्याग तपस्या परिश्रम की वजह से वो खड़ी है। इसीलिए सिर्फ हम लोगों की बात नहीं है, हमारी सरकार और खुद हमारे देश के कृषि मंत्री, गृह मंत्री और अनेक मंत्री वहां पर अपने किसानों के साथ लगातार बात कर रहे हैं और दरवाजे खुले हैं और लगातार उनको आमंत्रित भी कर रहे हैं। लेकिन देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी भी है, इसीलिए देश के किसान प्रताड़ित ना हो, परेशान ना हो, कभी उनके साथ किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो, कोई उनकी दिक्कतें ना आए, इसीलिए सरकार ने निर्णय लिया है 3 बिल लाने का, और उन 3 बिल की जो अच्छाइयां हैं वो लगातार उनको समझा रहे हैं, आगे भी समझाते रहेंगे, उनसे बातचीत लगातार करते हैं। इज्जत भी दी जा रही है चाहे हमारी सरकार के द्वारा या फिर भारत के द्वारा, परंतु अगर हम जमीनी स्तर की जो वास्तविकता है उसको देखें तो जब महिलाएं राजनीति में कदम रखती हैं, चाहे वो मंडल स्तर पर हो, जिले स्तर पर हो, प्रदेश पे हो या फिर महानगर स्तर पर हो, तो उन्हें प्रलोभन बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है, और ये वास्तविकता है। अगर मैं अपनी खुद की भी बात करूं तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो एक वेल विशिंग प्लस एक मोटिवेशन से ज़्यादा क्रिटिसिज्म ज़्यादा झेलना पड़ा था। तो आखिर उसको दरकिनार करने के लिए, उससे आगे बढ़ने के लिए महिलाओं को क्या करना चाहिए, और उसके साथ ही जो हमारे भाई बंधु हैं और समस्त हमारे जो लोग हैं महानगर के, जिले के, सभी जगह के, वो आखिर हम लोग ऐसा क्या कदम उठाएं कि उससे मोटिवेशन आए और जिससे और भी महिलाएँ और भी बहनें एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई सोच के साथ आगे बढ़ सके, ना कि प्रलोभन का शिकार हो। देखिए, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण ये सवाल रहा, मैं यहाँ पर ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, इसमें कोई वो हंसने की बात नहीं, क्योंकि हम नेशनलिज्म की बात करते हैं, जब हम नेशनलिज्म की बात करते हैं, और ये यूथ को सुनना बहुत ज़रूरी है, नेशनलिज्म हर जगह है, नेशनलिज्म सिर्फ नेशनल एंथम गाना नहीं है, नेशनलिज्म एक महिला की इज्जत करना भी नेशनलिज्म है। जब तक हम महिला की इज्जत नहीं करेंगे तब हम इस देश के प्रति ना तो हमारे को कोई हक बनता है कि हम अपने आप को एक इंडियन कहें, एक हिंदुस्तानी कहें, ना हम इस देश के प्रति सच्ची भावना से किसी भी तरीके का अच्छा काम करेंगे। नेशनलिज्म सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, क्योंकि हमारे को एक महिला की इज्जत करना, हमारे घर पर भी
हमारी माँ है, हमारी बहन है, हमारी बीवी है, हमारे बच्चे हैं। मेरे खुद घर में मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बीवी, मेरी दो बच्चियाँ हैं। तो मुझे एक ही चीज़ सिखाई गई थी शुरू से कि आप अच्छे खिलाड़ी बने या ना बने, आप बिजनेस में अच्छा करें या ना करें, आप सक्सेसफुल हो या ना हो, आपके पास पैसा हो या ना हो, आपके पास पद हो या ना हो, लेकिन एक इंसान और ऐसा इंसान कि जो ना सिर्फ अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बीवी और अपनी बच्चियों की इज्जत करता है बल्कि बाहर हर महिला की इज्जत करता है, तब हम अच्छे इंसान बनेंगे और तभी ये देश आगे बढ़ेगा। तो सिर्फ घर में जो आपका रिलेशन है सिर्फ उसका सम्मान करना ही सम्मान नहीं है, कि आप अपने से नीचे कार्यकर्ता की कितनी इज्जत करते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर अपने कुलीग हो गए या फिर आपसे ऊपर कोई महिला हो गई वो इम्पोर्टेंट है। और जहाँ तक कि आपने सवाल पूछा कि महिलाओं को क्या करना चाहिए, मैं बिल्कुल आपको साफ ही कहूँगा कि महिलाओं के लिए मुश्किल है, लेकिन चीज़ें बदल रही हैं, ये चीज़ धीरे धीरे ही बदलेगी। और ये सारी चीज़ शुरू होगी एजुकेशन से, सिर्फ घर पे नहीं स्कूल में भी, कि हम किस तरीके से अपने बच्चों को अपने स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को एजुकेट करते हैं, मैं अपनी बच्चियों को एजुकेट करूं या मेरे घर में मैं अपने बच्चों को एजुकेट करूं। साथ में आपको मेंटली टफ रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस देश की असली शक्ति है तो वो पुरुष नहीं, वो महिला है। क्योंकि अगर आप एक पुरुष को पढ़ाते हैं तो सिर्फ आप एक व्यक्ति को पढ़ाते हैं, अगर आप एक महिला को पढ़ाते हैं तो आप एक पूरे परिवार को पढ़ाते हैं। क्योंकि ये जो ज्ञान ये मुझे मेरे फादर ने नहीं दिया था, ये मुझे मेरी मदर ने दिया था कि किस तरीके से महिला की इज्जत करना है। तो अगर शायद मेरी मदर ने मुझे ये ज्ञान ना दिया होता तो मैं शायद कभी भी किसी महिला की इज्जत ना कर पाता। तो इसलिए महिलाओं का पढ़ना और महिलाओं का स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी है, तभी ये देश आगे बढ़ेगा। और सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं, हर फील्ड में अगर आप देखें, अगर आप भारतीय जनता पार्टी को भी देखें, इस बार कितनी महिलाओं को हमने मंत्री बनाया, मुझे पता है बहुत चैलेंजेस हैं, और जैसे आपने बोला मंडल स्तर पर, ज़िला स्तर पर बहुत चैलेंजेस हैं, लेकिन एक चीज़ जब आप इन चैलेंजेस को ओवरकम करके आगे जाएंगे और जब आपको एक अच्छा पद मिलेगा तब आप उन लोगों को समझा सकते हैं या और मेंटली टफ कर सकते हैं कि आपकी जिम्मेदारी कितनी है इस देश को आगे लेके जाने के लिए। इसलिए मेंटली स्ट्रांग रहना। बाकी पुरुषों के लिए एक ही मैसेज है, सिर्फ अपने परिवार में नहीं बाहर की महिलाओं की भी इज्जत करना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत बेहतरीन कार्यक्रम था, युवाओं से जुड़ने का मौका मिला, पूरे यूपी के युवाओं से जुड़ने का मौका मिला। साथ ही में उन्होंने कई सवाल पूछे जो बहुत बेहतरीन सवाल थे। साथ ही में मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ युवाओं को कि विकास हो गया भैया, विकास विकास की जो राजनीति करना चाहते हैं उनके साथ जुड़ें। भारतीय जनता पार्टी, योगी जी ने जिस तरीके से काम किया पिछले 5 साल में, कमाल का काम किया है। काश योगी जी जैसा मुख्यमंत्री दिल्ली का भी होता, जिस तरीके का विकास यूपी में हुआ है मुझे पूरा विश्वास है जनता उनके साथ जुड़े। इसके अलावा एक सवाल मुगल काल को लेकर एक बार फिर से राजनीति शुरू हो गई है, क्या कहेंगे इसको लेकर? भाई साहब इस पे मेरे को कोई वो नहीं जवाब दिया, मैंने क्या आपको बड़े से यहां पर कहा कि अकबर से प्यार अकबर। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।